हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टूल्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द पैसिव अटैक्स। तो देखिए, पैसिव अटैक क्या होता है, एक्टिव अटैक क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं कि कौन से टूल्स जो है वो हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पैसिव अटैक। तो देखिए, इसमें सिंपली क्या होता है कि सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग पैसिव अटैक्स, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि नेटवर्क स्निफिंग इज अनदर मीन्स ऑफ पैसिव अटैक टू यील्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेंज, हिडन सर्वर और नेटवर्क्स एंड अदर अवेलेबल सर्विसेज ऑन द सिस्टम और नेटवर्क। कि नेटवर्क स्निफिंग से हम जो है किसी भी सिस्टम या नेटवर्क पे जो भी आईपी एड्रेस रेंज यूज़ हो रहा है उसके बारे में पता कर सकते हैं, और जो भी हिडन सर्वर या नेटवर्क है उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। द नेटवर्क ट्रैफिक इज स्निफ्ड फॉर मॉनिटरिंग द ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। अटैकर्स वॉचेज द फ्लो ऑफ डाटा टू सी वॉट टाइम सर्टेन ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एंड वेयर द ट्रैफिक इज गोइंग। तो इस तरह से वो ऑब्जर्व करके और फाइंड आउट करते हैं इंफॉर्मेशन को। अब गूगल सर्च के अलावा भी अलॉन्ग विद गूगल सर्च वेरियस अदर टूल्स आर ऑल्सो यूज फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑब्लिक विक्टम। तो अपार्ट फ्रॉम या ये कह सकते हैं आप कि गूगल सर्च के अलावा, यानी कि अलोंग विद गूगल सर्च के अलावा या उसके साथ भी और भी टूल्स होते हैं। देयर आर वेरियस अदर टूल्स, ठीक है, यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, और यू कैन से विक्टम। अब ये कौन कौन से टूल होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं ब्रीफली जो है। जैसे सबसे पहला हो गया आपका गूगल अर्थ, आप लोगों से कई लोग यूज़ भी करते होंगे। तो गूगल अर्थ क्या होता है कि गूगल अर्थ इज ए वर्चुअल ग्लोब मैप एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। इट मैप्स द अर्थ बाय द सुपरइम्पोजिशन ऑफ इमेजेस ऑब्टेन फ्रॉम सैटेलाइट इमेजरी एंड प्रोवाइड्स एरियल फोटोग्राफी ऑफ द ग्लोब। इट इज़ अवेलेबल अंडर 3 डिफरेंट लाइसेंसेज, गूगल अर्थ ए फ्री वर्जन विद लिमिटेड फंक्शनलिटी, गूगल अर्थ प्लस which has been discontinued, and Google Earth Pro intended for commercial use. तो ये जो Google Earth software है इससे भी जो है आप अपना passive attack वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें Google Earth के अलावा जो अपनी इंडियन जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने क्या किया है, इसरो ने भी एक वेब बेस्ड टूल लाइक गूगल अर्थ जो है इंट्रोड्यूस किया है। और इसरो ने जो इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है भुवन, BHUVAN। ये भी आपका गूगल अर्थ जैसा ही सॉफ्टवेयर है, जैसा ही आपका एप्लीकेशन टूल है, एंड इट प्रोमिसेस बेटर 3D सैटेलाइट इमेजरी ऑफ इंडिया देन इज करेंटली बींग ऑफर्ड बाई गूगल अर्थ। मतलब ये जो है सॉफ्टवेयर इसरो का भुवन, ये जो है गूगल अर्थ से ज़्यादा 3D इमेजनरी जो है 3D पिक्चर्स भेजता है इंडिया के डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन के, ठीक। तो ये हो गया आपका। अगर आपको मान लीजिए भुवन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप जो है सिंपली आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं HTTP, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए भुवन.nrsc.gov.in,
तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। पहला तो हो गया ये गूगल अर्थ हो गया, सेकंड है आपका दैट इज इंटरनेट आर्चीव, इंटरनेट आर्चीव, ठीक है। इंटरनेट आर्चीव में क्या होता है कि द इंटरनेट आर्चीव इज एन इंटरनेट लाइब्रेरी विद द पर्पस ऑफ ऑफरिंग परमानेंट एक्सेस फॉर रिसर्चर, हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स टू हिस्टोरिकल कलेक्शन दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्मेट। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ऑडियो, मूवी, इमेजेस एंड सॉफ्टवेयर एज वेल एज आर्चीव वेब पेजेस इन आवर कलेक्शन। तो जो इंटरनेट आर्चीव होता है उसको भी जो अटैकर होते हैं वो उसको मिसयूज करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये एन अटैकर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट अपडेट मेड टू द टारगेट्स वेबसाइट एज वेल एज कैन डिग द इंफॉर्मेशन विच मे बी अवेलेबल इन द हिस्ट्री। तो इसका भी मिसयूज जो है करते हैं जो आपके पैसिव अटैकर्स होते हैं। थर्ड क्या है, प्रोफेशनल कम्युनिटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी। प्रोफेशनल कम्युनिटी में जैसे आपके जो डिफरेंट प्रोफेशनल आपकी कम्युनिटी वेबसाइट्स है, जैसे लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग 170 इंडस्ट्रीज एंड 200 कंट्रीज। तो जैसे लिंक्डइन जो आपका सोशल मीडिया का कम्युनिटी नेटवर्क है वो करीब 200 कंट्री में कवर करता है और 170 इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं उनको इन लोगों के बारे में, क्वालिफाइड प्रोफेशनल के बारे में सारी डिटेल जो है वो लिंक्डइन से मिल जाती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए पीपल सर्च, पीपल सर्च। इसमें क्या होता है, पीपल सर्च प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एट्सेट्रा। तो पीपल सर्च अगर आप करेंगे तो वहां पे भी आपको डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर कई लोगों का आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब पीपल सर्च करने के लिए कुछ जो साइट्स हैं, जैसे आपका है वाइट पेज इंक डॉट कॉम या इंटेलियंस डॉट कॉम या वाइट पेजेस डॉट कॉम, यहाँ से आप जो है डेटा निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डोमेन नेम कंफर्मेशन, डोमेन नेम कंफर्मेशन। इसका क्या यूज होता है कि टू परफॉर्म सर्चेस फॉर डोमेन नेम्स यूजिंग मल्टीपल कीवर्ड्स, दिस हेल्प्स टू एनेबल टू फाइंड एवरी रजिस्टर्ड डोमेन नेम इन डॉट कॉम और डॉट नेट और डॉट ओ आर जी और डॉट ई डी यू और डॉट बिज एट्सेट्रा। तो डोमेन नेम कन्फर्मेशन से भी आप कन्फर्म कर सकते हैं अपने टारगेट या विक्टम के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका डब्ल्यू हु इज सर्वर, सिंपली आप कह सकते हैं WHOIS, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज ए डोमेन रजिस्ट्रेशन लुकड अप टूल, दिस यूटिलिटी इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद हु इज सर्वर्स लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड टू ऑब्टेन डोमेन रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, हुज सपोर्ट्स आईपी एड्रेस क्वेरीज एंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट्स द अप्रोप्रिएट हु सर्वर फॉर आईपी एड्रेस। दिस टूल विल लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन ए डोमेन आईपी एड्रेस और ए डोमेन रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। वन कैन सेलेक्ट ए स्पेसिफिक हुई सर्वर और यू कैन यूज द डिफॉल्ट ऑप्शन विच विल सेलेक्ट ए सर्वर फॉर यू। तो इसका भी जो है पैसिव अटैकर यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। उसके अलावा हुई इसके बाद जो है जो नेक्स्ट आपका आता है वो है NS लुकअप, ठीक है, नेम सर्वर लुकअप। ये मान लीजिए जैसे एर्थ हो गया, दिस इज कॉल्ड NS लुकअप, ठीक है। NS लुकअप का मतलब होता है इट मींस नेम सर्वर लुकअप। दिस टूल इज यूज्ड ऑन विंडो एंड यूनिक्स टू क्वेरी डोमेन नेम्स सिस्टम,
ठीक है, सर्वर्स टू फाइंड डीएनएस डिटेल इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स सच एज मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड्स फॉर ए डोमेन एंड नेम सर्वर सर्वर्स फॉर ए डोमेन। ठीक है, तो ये एनएस लुकअप जो यूज होता है ये डीएनएस एंट्रीज वगैरह को पिक करने के लिए यूज होता है, पता करने के लिए। फिर ऐसे ही आपका डीएनएस स्टफ, डीएनएस स्टफ, यूजिंग दिस टूल इट इज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट डीएनएस इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी एड्रेसेस, मेल सर्वर एक्सटेंशन, डीएनएस लुकअप, हु इज लुकअप एटसेट्रा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका दैट इज ट्रेस रूट, ट्रेस रूट ये किस लिए यूज होता है? दिस इज द बेस्ट टूल टू फाइंड द रूट, मतलब कंप्यूटर का जो नेटवर्क पाथ है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये बेस्ट टूल यूज होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेस रूट। इट डिटरमाइन द रूट टेकन बाई पैकेट्स अक्रॉस एन आईपी नेटवर्क, मतलब कोई डाटा कम्युनिकेशन में कोई भी पैकेट, डाटा पैकेट आपका ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया हुआ है वो इससे ट्रेस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए विजुअल रूट ट्रेस, नेक्स्ट इज विजुअल रूट ट्रेस। विजुअल रूट ट्रेस क्या करता है? दिस इज ए ज्योग्राफिकल टूल विच डिटरमाइंस वेयर एंड हाउ वर्चुअल ट्रैफिक ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क इज फ्लोइंग बिटवीन सोर्स एंड टारगेट डेस्टिनेशन। ठीक, उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट है आपका ईमेल ट्रैकर प्रो, ईमेल ट्रैकर प्रो, ये क्या करता है? ईमेल ट्रैकर प्रो एनालाइजेस द ईमेल हेडर एंड प्रोवाइड्स द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम दैट सेंट द मेल। तो इससे पता चल जाता है कि मेल कहाँ से आई है, ठीक है, सेंडर का पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका एचटी ट्रैक। एचटी ट्रैक क्या होता है? दिस टूल एक्ट्स लाइक एन ऑफलाइन ब्राउजर, इट कैन मिरर द एंटायर वेबसाइट टू ए डेस्कटॉप, वन कैन एनालाइज द एंटायर वेबसाइट बाई बीइंग ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेबसाइट वॉचर, नेक्स्ट इज वेबसाइट वॉचर, ये क्या करता है? द टूल कैन बी यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ फेवरेट वेबसाइट फॉर एन अपडेट, वेन द वेबसाइट अंडरगोज एन अपडेट ऑब्लिक चेंज दिस टूल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट इट एंड सेव द लास्ट टू वर्जन ऑन टू द डेस्कटॉप। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पैसिव अटैकर यूज करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है? कि कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एनी प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन ऑन रीसेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स और इंफॉर्मेशन अबाउट जियो पॉलिटिकल इंडिकेशंस। इफेक्टिव यूज ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कैन रिवील अटैक अगेंस्ट द वेबसाइट और एन इंडस्ट्रियल एस्पिनॉज। ठीक, तो देखिए ये डिफरेंट टूल्स हैं जो नेटवर्क स्निफिंग, आप इंटरनेट स्निफिंग में यूज कर किए जाते हैं किसी भी टारगेट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टूल्स के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है या कोई और टूल या टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।